बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अतीक सदीक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे मटन स्टिक कबाब। मटन स्टिक कबाब कैसे बनाए जाते हैं आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमने लिया एक अदद प्याज और 8 से 9 अदद ग्रीन चिली हरी मिर्च, ठीक है, और धनिया लिया है, ठीक है, और हमारे पास मटन है हाफ के जी से थोड़ा सा कम है, उसका कीमा करवा लिया था मैंने, ठीक है, और उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून मैंने दादर मिर्च ली रेड कलर की, उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून हम मैंने लाल कलर मिर्च ली पीसी हुई, 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया दादर किया हुआ, उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून मैंने काली मिर्ची ली, ठीक है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने ज़ीरे का लिया, 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट जो बनाया था वो लिया, और 1/2 टेबल स्पून नमक है मेरे पास, ठीक है। अब मैं प्याज को, धनिए को और हरी मिर्ची को काटूंगा और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब देख सकते हैं मैंने प्याज को बारीक बारीक काट लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, देख सकते हैं आप, ठीक है, और धनिए को भी काट लिया है और हरी मिर्ची को भी काट लिया है। अब इनको मैं चट्टू वट्टे में डाल के इनको रगड़ूंगा, ठीक है, और बिल्कुल इनको पेस्ट के माफिक बना दूंगा, बिल्कुल पेस्ट तरह बना दूंगा, ठीक है, और जैसे मैं बनाऊंगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मैंने कैसे बनाया और वो भी आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना दिया है, प्याज हरी मिर्च और धनिए का, ठीक है, मैंने इसकी मदद से बनाया है, आप भी जिसकी मर्ज़ी मदद से बना लें, कूटना है तो कूट लें, ग्राइंडर की मदद से बनाना है तो ग्राइंडर की मदद से बना लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम डालेंगे कीमा, ओके, कीमे के बाद हम डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया अभी, हरी मिर्ची धनिया, और अब डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, अब हम ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरा डालने के बाद हम नमक डालेंगे, नमक के बाद हम काली मिर्ची डालेंगे, सूखा धनिया, दादर मिर्च, लाल मिर्च, ओके। अब अच्छी तरीके से हम हाथ की मदद से इसको मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कबाब मैं बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पानी लगाना है हाथ को, ठीक है, देख सकते हैं आप हमारे स्टिक के साथ कबाब कैसे लग रहे हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। हमने फ्राई पैन रख दिया चूल्हे पे, ठीक है, और चूल्हा का फ्लेम ऑन कर दिया, ठीक है, अब डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला, ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम कबाब को डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख सकते हैं हमारे कबाब ओके। अब हम इसको पकाएंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कबाब हमारे रेडी हो गए हैं, बस अब इनको निकालेंगे हम। ये तो हो गया हमारे स्टिक कबाब, अब हम बनाएंगे मुठ कबाब, ओके,
मुठ कबाब, सीख कबाब, चपली कबाब, इन सब का मसाला सेम है। अब हम बनाएंगे मुठ कबाब। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं मुठ कबाब मैंने फ्राई होने के लिए छोड़ दिए हैं। माशाल्लाह हमारे कबाब बन चुके हैं, अब हम इनको निकालेंगे। अब मैंने चपली कबाब डालेंगे, चपली कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं हमारे स्टिक कबाब कैसे बने हैं, ठीक है। मुठ कबाब, चपली कबाब, रायता है हमारे पास, केचप है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखना। अल्लाह ताला आपको लंबी सेहत अता फरमाए, ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन समा आमीन। अभी हम ट्राई करेंगे कि कैसा बना। इमरान भाई बिस्मिल्लाह कीजिए, क्या खाएंगे? स्टिक कबाब खाएंगे, मुठ कबाब? बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह, रायता लगाएं, बिस्मिल्लाह रहमान। जी इमरान भाई, बहुत ही आंवला बना है, ज़बरदस्त। चलो शुक्र है, कुछ कमी है तो फिर भी मुश्किल नहीं, नहीं, नहीं। अब मैं भी ट्राई करूँगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी बने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।